जय हिंद साथी साथी, आज मुझे बैठे बैठे एक कहानी याद आ गई और मैंने सोचा कि आप सभी को वो कहानी शेयर करूं, क्योंकि मेरी हर कहानी का कुछ ना कुछ मायना जीवन में होता है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राजा एक राज्य में राज करता होता, लेकिन वो राजा अपने अहंकार में, अपनी दौलत के घमंड में, अपने ज्ञान के घमंड में होता है। एक दिन वह शिकार पर जाता है और शिकार करते करते राजा की आंखों में कुछ गिर जाता है और राजा उसके बाद अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। जैसे ही वो आंखें खोलने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखें जल रही हो और वो उसकी सारा उसकी आंखों से उजाला गायब हो जाएगा, वो अंधा हो जाएगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी राजा की आंखें नहीं खुलती है तो वो अपने मंत्रियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ राजमहल में आते हैं। राजमहल में आने के बाद राजवैद्य को बुलाया जाता है और राजवैद्य देखता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी राजवैद्य देखता है कि राजा आंख नहीं खोल पा रहे हैं, उनकी आंखों में भयंकर पीड़ा हो रही है और जैसे ही वो आंखें खोलते हैं इतनी जलन होती है कि लगता है कि वह अंधे ही हो जाएगी। तो उसके बाद राजा पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करा देते हैं कि भाई राजा की ऐसे ऐसे आंखें ख़राब है, जो भी ठीक करेगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन काफ़ी समय हो जाता है, कोई भी नहीं आता। उसके बाद बाहर देश से कुछ डॉक्टर की टीम आती है और वो राजा को देखती है। काफ़ी दिन राजा को देखने के बाद वो ये पाते हैं कि राजा किसी भी हालत में आज के बाद से कभी भी कोई चीज़ देख ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर राजा देख सकता है तो सिर्फ एक ही रंग देख सकता है और वो होता है हरा रंग। तो वह राजा को बोलते हैं कि राजा जी, आज के बाद से आप सिर्फ एक ही रंग देख पाएंगे और उसके अलावा जीवन में जब तक आपकी ज़िंदगी है कभी भी कोई और रंग नहीं देख पाएंगे। अगर आप खोलने की कोशिश भी करोगे तो आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे। राजा बहुत परेशान हो जाता है तो राजा अपने सिपाहियों को बुला के कहता है कि कम से कम मेरे जहाँ मैं सोता हूँ, मेरा जो शयन कक्ष है, इसको पूरा हरा कर दो। मेरे बेड को, चद्दर को, कारपेट को, दीवारों को, छत को, सबको हरा कर दो ताकि मैं आराम से सो सकूँ। और ऐसा ही होता है, राजा का हुक्म का पालन किया जाता है, उसके शयन कक्ष पूरा हरा कर दिया जाता है। अब राजा जैसे ही अपने कक्ष में आता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है कि वो आँखें खोल सकता है, वो चारों तरफ देख सकता है, छत को देख सकता है, दीवारों को देख सकता है, उसे बड़ी खुशी होती है। एक दिन राजा ऐसे ही अपने शयन कक्ष को देखते देखते बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही राजा बाहर निकलता है एकदम से उसकी आँखें जलने लग जाती है। तो राजा को याद आता है कि हाँ, मैं तो हरे रंग के अलावा कोई रंग देख ही नहीं सकता। तो राजा वापस आता है, फिर राजा चिंता में डूब जाता है। उसके बाद राजा कहता है कि अब मेरे कक्ष के, शयन कक्ष के अलावा भी पूरे राज्य में, पूरे अंदर राज दरबार के अंदर हरा रंग कर दिया जाए ताकि मैं हर जगह घूम सकूं। राजा को हुक्म की तामील होती है और जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर बाहर भी सारा हरा रंग किया कर दिया जाता है। अब राजा शयन कक्ष में भी घूमता है, बाहर अपने राज दरबार में घूमता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही होता है, घूमते घूमते वो राज दरबार से भी बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर आता है उसकी आंखें फिर एकदम से दूसरे रंग देख के बंद हो जाती है। राजा फिर परेशान है। उसके बाद राजा कहता है कि मेरे सारे राज्य में, पूरे राज्य में हरा रंग कर दिया जाए, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए और मुझे सब कुछ दिए। अब इसके बाद राजा के हुक्म के बाद सभी लोग सोचते हैं, सभी मंत्रिमंडल बैठ जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, पूरा राज्य का खर्चा ही राजा को देखने के लिए आंखें खोलने के लिए लग जाएगा। सब लोग बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से राजा मान जाए, लेकिन राजा बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, आप पूरे राज्य को हरा कर दो ताकि मैं जहां भी जाऊं मुझे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथियों, बड़ी ही विकट समस्या हो जाती है, मंत्रिमंडल राजा के सामने कुछ बोल नहीं सकते और अगर ऐसा करते हैं तो इतना खर्चा हो जाएगा कि राज्य में फिर कभी कुछ और काम, विकास का काम नहीं हो पाएगा। इसी सोच में कुछ दिन बाद एक छोटा सा लड़का एक गांव से सब्जियां लेके उसी राजा के राज्य में आता है सब्जियों को बेचने के लिए। तो जैसे ही वो अंदर घुसता है, राज्य सभा की सीमा में प्रवेश करता है तो देखता है कि हर जगह हरा रंग है, ज़मीन पे हरा रंग, दीवारों पे हरा रंग, हर जगह हरा रंग है। तो वह पूछता है कि यार, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं गया था यहाँ से, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज ये क्या हो गया कि हर जगह आपने हरा रंग किया हुआ है। तो वो बताते हैं कि हमारे देश का जो राजा है
उसको ये समस्या हो गई थी और उसको हर चीज़ को देखने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो राजा ने हर चीज़ को हरा कर दिया। तो उसने कहा बस इतनी सी बात, कह रहे थे बहुत छोटी समस्या है, ये छोटी सी समस्या के लिए आपने इतना सारा खर्चा कर दिया, आपने इतना टाइम वेस्ट किया, आपने इतनी लेबर वेस्ट करी। वो आदमी उस बच्चे की बात सुन के हैरान रह जाता है। वो कहता क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? वो कहता हाँ मेरे पास है, मैं राजा की आँखें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतना सुनने के बाद वो व्यक्ति उस बच्चे को राजा के पास लेकर जाता है। जैसे ही राजा के पास जाता है तो कहता है राजा, वो बच्चा, वो आदमी बताता है कि जी ये बच्चा कह रहा है कि मैं आपकी सारी समस्या ठीक कर दूंगा। राजा उसको पूछता है क्या सच में तुम मुझे बिल्कुल ठीक कर सकते हो? बच्चा कहता है हाँ जी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो राजा कहता है ठीक है करो, लेकिन लड़का कहता है कि मुझे एक दिन का समय चाहिए, कल इसी टाइम मैं आऊँगा और आपकी सारी समस्या के सॉल्यूशन मैं कर दूँगा। राजा बड़ा हैरान, और लेकिन राजा कहता है कि अगर कल तुम ना आए और मेरी समस्या का समाधान नहीं किया तो कल मैं तुम्हें फांसी दे दूँगा, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि तुम बच्चे हो अभी। तो बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है जी मैं कल आता हूँ। इजाज़त लेके राजा से बच्चा कल चला जाता है और अगले दिन बच्चा आता है। साथियों आप हैरान रह जाओगे उस बच्चे ने क्या किया। बच्चा मात्र 100 रुपये का चश्मा लेके आता है हरे रंग का और राजा की आंखों में पहना देता है और राजा से कहता है कि राजा जी आप जहाँ मर्जी घूमो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों राजा जहाँ भी देखता है जहाँ भी जाता है उसे सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है, उसकी आंखों में कोई दिक्कत ही नहीं होती, उसकी समस्या का समाधान हो जाता है क्योंकि उसने हरे रंग का चश्मा पहन लिया था। साथियों ये छोटी सी कहानी है। कई बार हमारी ज़िंदगी में 90% से ज़्यादा इतनी समस्या आती है कि हम अपने अहंकार के कारण, अपने ज्ञान के कारण उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते और बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं, जबकि उस समस्या का समाधान बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अपने ज्ञान के कारण हम बहुत बड़े बड़े समाधान खोजने लगते हैं जिस कारण हम समस्या में फंसते चले जाते हैं। बस साथ ही यही छोटी सी कहानी थी। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।